हेलो एवरीवन, वेलकम टू SKU डिजिटल लर्निंग क्लासेस। मेरा नाम प्रतीक्षा तिवारी है और मैं आपको आज BTech फर्स्ट सेमेस्टर की इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की यूनिट 5 का मैट्रिक्स यूनिट का एक टॉपिक पढ़ाने वाली हूं, जो है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर पढ़ाने से पहले मैं ये उम्मीद करती हूं कि आप लोगों को मैट्रिक्स की एक बेसिक नॉलेज ज़रूर होगी। तो सबसे पहले एक बेसिक नॉलेज जिन बच्चों को नहीं है, मैं उनके लिए फिर से बता देती हूं कि मैट्रिक्स क्या कहलाती है। तो ए करके हमको कोई भी मैट्रिक्स गिवन होगी, ठीक है, रो कॉलम। मान लेते हैं यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। ये कितनी कितनी रो दिख रही है मेरे को? रो 1, ये मेरे को दिख रही है रो 2। कितनी रो है मेरी? यानी 2 रो है। कॉलम मेरे कितने दिख रहे हैं? पहला और दूसरा, 2 कॉलम दिख रहे हैं। तो ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स हो गई? 2x2 की मैट्रिक्स हो गई। इस मैट्रिक्स को एक और तरीके का हम नाम दे सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में उन्हीं मैट्रिक्स को कह सकती हूँ जो मैट्रिक्स में रो और कॉलम दोनों ही सिमिलर होते हों। अदरवाइज मैं जिसमें रो मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, यहाँ पे मेरी रो कितनी है? रो 2 है, पर कॉलम मेरे कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। इसको मैं स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कह सकती, क्योंकि रो और कॉलम दोनों ही डिफरेंस आ रहे हैं, ठीक है। अब इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा, तो उसको मैं एक डेफिनेशन के फॉर्म में लिखती हूँ। लेट ए बी द मैट्रिक्स, ए बी द मैट्रिक्स, कोई भी मेरे को यानी मैट्रिक्स गिवन है इन अ फॉर्म ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है n क्रॉस n करके कोई भी मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स 2x2 की भी हो सकती है, 3x3 की भी हो सकती है, ठीक है। हेयर द लैम्डा वैल्यू सेट टू बी आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू निकालने के बाद ही हम आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आइगन वैल्यू निकाल के आपको बताऊंगी, तो उसके लिए मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लिख लेती हूं। तो क्वेश्चन लिखने से पहले फाइंड द आइगन वैल्यू एंड द आइगन वेक्टर of matrix A. A matrix मेरी क्या है? 1, -2, -5, 4। कोई भी आप मैट्रिक्स ले सकते हैं, पर याद रखिएगा वही वैल्यूज मैट्रिक्स लीजिएगा जो स्क्वायर मैट्रिक्स में हो। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स में मेरे को दिख रही है, कैसे? क्योंकि 2 रो है और 2 कॉलम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स में। अगर 3x3 की लेंगे तो याद रखना कि 3x3 की मैट्रिक्स में भी 3 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें दो चीज़ें जाननी ज़रूरी है। सबसे पहले मैं वर्किंग रूल करके हमें दो तीन चीज़ें जानना ज़रूरी है, जिसमें हमें ए मैट्रिक्स मेरी क्या है वो मेरे को जानना ज़रूरी है। उसके बाद एक टर्म आता है इसमें, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या है मेरी? ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल्स टू 0, जिसमें ए मैट्रिक्स मेरे को क्वेश्चन में गिवन होगी, लैम्डा की वैल्यू जो मैं निकालूंगी उससे मेरी आइगन वैल्यू आएगी। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको पता होनी चाहिए 2x2 की और 3x3 की, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा 2x2 की मैट्रिक्स में पूछा जा सकता है या तो 3x3 की मैट्रिक्स में पूछा जा सकता है। अगर ए मैट्रिक्स यानी क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स गिवन है मेरे को वो 2x2 की है, तब मैं आई की वैल्यू भी यानी आइडेंटिटी वैल्यू मैट्रिक्स की वैल्यू भी 2x2 की ही रखूंगी। अगर क्वेश्चन में 3x3 की मैट्रिक्स गिवन है, तब मैं आई की भी वैल्यू 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखूंगी। अब ये इक्वेशन आई कैसे? उसके लिए
ax is equals to lambda x is where x is a eigen vector, lambda eigen वैल्यू, यानी कि जो x के टर्म में वैल्यू आएगी उनको हम आइगन वेक्टर के फॉर्म में कहेंगे और जो लेमडा की वैल्यू आएंगी वो हम आइगन वेक्टर कहेंगे। ठीक है, इसको मैं इस साइड लेकर आऊंगी, इज इक्वल्स टू जीरो a माइनस लेमडा i, जब हम कॉमन लेते हैं तो साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू में जीरो। ठीक है, ये मेरी कहलाएगी ये पूरा टर्म जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आइगन वेक्टर को निकालने के लिए, लेकिन जब हम आइगन वैल्यू केवल निकालेंगे तब हम केवल और केवल कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जो कि ये है हमारी। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा स्पेस क्लियर कर देती हूँ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास सबसे पहले मेरे को लिखनी है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि यही इक्वेशन आपको काइली हैमिल्टन में भी यूज़ होगी। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेरी क्या थी, ए माइनस लैम्डा आई मॉडुलस इज इक्वल्स टू जीरो। ए मैट्रिक्स मेरे को पता है, मैं इस मॉडुलस में आपको डायरेक्ट पुट करके वैल्यू रख देती हूँ जो कि है वन माइनस टू माइनस फाइव फोर माइनस लेमडा। अब इसमें मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी आएगी, टू बाई टू की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी क्योंकि मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स मेरी किसके फॉर्म में गिवन है, टू बाई टू के फॉर्म में गिवन है। इसलिए वन जीरो जीरो वन इज इक्वल्स टू में जीरो। इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास मैट्रिक्स आएगी वन माइनस टू माइनस फाइव फोर माइनस लेमडा का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो लेमडा का मल्टीप्लाई वन से होगा तो लेमडा, जीरो से होगा तो जीरो, जीरो से जीरो लेमडा का मल्टीप्लाई होगा तो जीरो और लेमडा का मल्टीप्लाई वन से होगा तो वन इज इक्वल्स टू जीरो। अब हम डायरेक्ट इसका माइनस करेंगे। ओके, मैट्रिक्स का माइनस करना आप लोगों को आता होगा अगर आप आइगन वैल्यू और आइगन वैक्टर वाले टॉपिक पर आ गए हैं तो। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वाला टॉपिक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स करने में कोई समस्या नहीं आती होगी। ओके, अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो हमारी क्या मैट्रिक्स आएगी, हमारी मैट्रिक्स आएगी वन माइनस लैम्डा, माइनस का टू माइनस फाइव फोर माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या इक्वेशन आएगी मेरी, वन माइनस लैम्डा फोर माइनस लैम्डा, बीच में आएगा माइनस का साइन, सिंपल डिटर्मिनेंट मेथड से हमें सॉल्व करना है इसको, माइनस का टू माइनस का फाइव इज इक्वल्स टू ज़ीरो। कोई प्रॉब्लम, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक बार ब्रैकेट ओपन करेंगे तो फोर माइनस लैम्डा माइनस का लैम्डा फोर माइनस लैम्डा माइनस का टेन, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा। ओके, मैं डायरेक्ट इसके बाद इक्वेशन लिख देती हूँ, फोर माइनस लैम्डा माइनस फोर लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस टेन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इक्वेशन मेरी बनेगी लैम्डा स्क्वायर माइनस का फाइव लैम्डा माइनस का सिक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये वाली मेरी वैल्यू बनेगी। इससे अब मेरे को दो कॉमन फैक्टर निकालने हैं जिससे मेरी लैम्डा की वैल्यू आएगी। मेरे दो कॉमन फैक्टर क्या आएंगे, एक बार आएगा मेरा लैम्डा स्क्वायर माइनस का सिक्स लैम्डा प्लस का वन लैम्डा माइनस का सिक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इक्वेशन के बाद अब मैं इसमें से कॉमन लूँगी तो इक्वेशन लैम्डा की वैल्यू आएंगी लैम्डा माइनस सिक्स, एक बार आएगा लैम्डा प्लस का वन इक्वल्स टू में ज़ीरो। तो एक बार लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी मेरी सिक्स, एक बार लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी मेरी माइनस वन और ये मेरी कहलाएंगी आइगन वैल्यू। ये
ये मेरी कहलाएंगी आइगन वैल्यू। आप सिंपल कंपेयर करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी एक बार लैम्डा माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो, जिससे मेरी लैम्डा की वैल्यू आएगी सिक्स। एक बार लैम्डा प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, जिसमें लैम्डा की वैल्यू आएगी माइनस का वन। ओके, अभी तो मेरा आइगन वैल्यू निकला है, अब मेरे को इसी से निकालना है आइगन वेक्टर। मैंने पहले भी आप लोगों को ये चीज़ बता रखी है कि हम आइगन वैल्यू निकालने के बाद ही आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं। तो आइगन वैल्यू अब मेरी कितनी आई है, दो आई हैं, क्योंकि दो बाई दो की मैट्रिक्स थी, यानी कि टू बाई टू की मैट्रिक्स थी, तो टू आइगन वैल्यूज़ आई हैं। अगर थ्री बाई थ्री की होती तो थ्री भी मैट्रिक्स, थ्री वैल्यूज़ आती आइगन वैल्यूज़ की, यानी लैम्डा की तीन वैल्यू आती। इस तरीके से एज मैनी एज जितना भी आपका वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू वन भी आ सकती है, लैम्डा वन भी आ सकती है, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री, और उसी तरीके से आइगन वेक्टर की भी वैल्यू हमारी वेरी कर सकती है। अब हमारे पास कितने दो केस बन रहे हैं, पहला केस है लैम्डा वन का जिसकी वैल्यू है सिक्स, दूसरा केस है लैम्डा टू का जिसकी वैल्यू है माइनस वन। तो हम सबसे पहले केस वन लेके सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ केस वन लेके सॉल्व कर रही हूँ, जिसमें लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा वन की वैल्यू मैं मान लेती हूँ सिक्स है। अब मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या थी, फिर से मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या है, अब यहाँ पे ए माइनस लैम्डा वन आई, मॉडुलस लगाना है यहाँ पे मेरे को, एक्स वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होगा कि मैम एक्स वन कैसे आ गया। एक्स वन जिस तरीके से मैंने लैम्डा वन माना है, उसी तरीके से मुझे एक्स वन मानना होगा। एक्स वन क्या है, आइगन वेक्टर को हम मान रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमारे पास आइगन वैल्यूज़ तो आ गई हैं, पर आइगन वेक्टर नहीं आया है। तो आइगन वेक्टर की हम वैल्यूज़ एक्स और वाई के टर्म में फॉर्म मानेंगे। तो यहाँ पर मैं, यानी एक्स वन की वैल्यू मैंने क्या मान ली, एक्स और वाई। ठीक है, अगले स्टेप में मैं आपको डायरेक्ट करके देती हूँ। एक इक्वेशन मेरी बनी थी, जिन बच्चों को इक्वेशन याद है, इक्वेशन मेरी बनी थी वन माइनस लैम्डा माइनस का टू माइनस का फाइव फोर माइनस लैम्डा, ये इक्वेशन बनी थी हमारी। अब मेरे को यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पता चल गई है, यानी जहाँ जहाँ पे अब मेरी जगह पे यहाँ पे मेरे को लैम्डा दिख रहा है, वहाँ वहाँ पे मैं लैम्डा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगी। और यहाँ पे मैं पहले केस में लैम्डा की वैल्यू क्या मान रही हूँ, पहले केस में मैं लैम्डा की वैल्यू मान रही हूँ सिक्स। तो मैं क्वेश्चन को आगे सॉल्व करती हूँ, उसके लिए पहले मैं थोड़ा स्पेस बना लेती हूँ। अब स्पेस बनाने के बाद अब इसको सॉल्व करते हैं। तो वन माइनस सिक्स माइनस का टू माइनस का फाइव फोर माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू ज़ीरो। साथ में हम एक्स वन हमारा साथ में रहेगा, वरना आइगन वेक्टर कैसे निकालेंगे हम। ओके, अब इसके बाद बोर्ड थोड़ा सा छोटा पड़ा। आप चाहें तो x1 की जो आपने वैल्यू अभी मानी है, x और y, वो सब्सिट्यूट कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ पे अगला स्टेप लिख देती हूँ, जो कि मेरा होगा माइनस फाइव माइनस टू माइनस फाइव। यहाँ पे मैंने लैम्डा की वैल्यू नहीं रखी है, डायरेक्ट लैम्डा रख दिया है। तो यहाँ पे मुझे लैम्डा की वैल्यू रखनी है, जो कि है सिक्स। ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस का टू, और यहाँ पर मेरे को क्वेश्चन की उतनी ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे क्या आएगा, x1 की जगह पे वैल्यू अब मैं क्या रख रही हूँ, x और y इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब मेरे को दिख रहा है कि मैट्रिक्स के फॉर्म में तो आ गया है, पर मैं कैसे सॉल्व करूँ इसको, तो इसके लिए मैं एक रो ऑपरेशन लगा देती हूँ। रो ऑपरेशन अगर मैं आर टू कॉलम में लगा दूँ, यानी आर टू माइनस आर वन लगा दूँ, तो नीचे की पूरी रो मेरी ज़ीरो हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है, आप चाहें तो आप एक बार करके देख सकते हैं। तो माइनस फाइव माइनस टू ज़ीरो ज़ीरो आएगा मेरा एक्स वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, इस तरीके से आएगी, क्योंकि मैंने माइनस किया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, तो ऊपर की रो ऑपरेशन मैंने दूसरे रो में लगाया हुआ है, तो नीचे की रो मेरी पूरी ज़ीरो हो जाएगी, ऊपर मेरा सेम एज इट इज़ रहेगा। अब इससे मेरे को आ जाएगा
x और y की वैल्यू, x और y की वैल्यू मेरी आ गई, यानी कि मेरा लैम्डा 1 के लिए आइगन वेक्टर आ गया। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन क्या बनेगी मैं आपको वो लिख देती हूँ, आएगी -5x -2y इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि सिंपल मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे। अब मैं इस वाले -2 को उस साइड लेके जाऊंगी तो -2x इक्वल्स टू प्लस का 2y, ओके। अब अपॉन में आएगा ये, तो x 2 की जगह x अपॉन 2 इक्वल टू y माइनस का 5 अपॉन 5। अभी पर मेरे को दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहा कि वैल्यू कैसे आएगी मैम x और y की। वैल्यूज़ क्या आई थी इक्वेशंस के बाद, -5x माइनस का 2y इज इक्वल्स टू जीरो। मैं इसको इस साइड लेके जाऊंगी, माइनस का 5x इज इक्वल्स टू 2y, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू माइनस का y अपॉन 5। अब मेरे को अभी तक बिल्कुल वैल्यूज़ कैसे निकालनी है x और y की मेरे को पता नहीं चल पा रहा है। ऐसे केस में मैं क्या करूँगी, लेट के करके मैं वैल्यू को एज्यूम करूँगी, तो x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू k, वेयर k की वैल्यू क्या होगी 1। आप k की वैल्यू कोई सी भी मान सकते हैं, यही एक रीज़न था जब मैंने आपको बोला था कि आइगन वेक्टर कितने भी निकल सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा हो जो मानेगा कि k की वैल्यू हम 2 भी ले लें, 3 भी ले लें, पॉइंट्स में ले लें, बिल्कुल ले सकते हैं, बट वो कॉम्प्लिकेटेड होगा और मैथ को तो मैथ का तो काम ही होता है आसान करने का। तो मैं के की वैल्यू 1 ले रही हूँ, तो अब क्या होगी, के इक्वल्स टू 2k, वेयर k की वैल्यू क्या है मेरी 1, तो 1 रखी तो एक बार x की वैल्यू आई मेरी 2। अब एक दूसरा केस है मेरा, y अपॉन 5 इज इक्वल्स टू k, y इज इक्वल्स टू -5k, ओके। तो अब वहाँ पे k की वैल्यू मेरी क्या आई, माइनस का 5। तो मेरी x और y की वैल्यू केस 1 में, यानी कि केस 1 के लिए मेरी x और y की वैल्यू यानी आइगन वेक्टर मेरे क्या आ गए, एक बार मेरा वैल्यू आया 2 और एक बार मेरा वैल्यू आया -5। इसी तरीके से अब मैं केस 2 के लिए वैल्यू निकालूंगी, तो केस 2 के लिए वैल्यू निकालने के लिए मैं एक बार क्लियर स्पेस कर लूँ। अब केस टू के लिए लैम्डा 2 की वैल्यू मेरी क्या आई थी, याद करिए, -1। ठीक है, लैम्डा 2 की वैल्यू क्या थी मेरी, -1। फिर से वही कैरेक्टरिस्टिक्स, तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 1 माइनस लैम्डा माइनस 2 माइनस का 5 4 माइनस लैम्डा एक्स 2, क्योंकि पहला केस क्या था मेरा लैम्डा 1 और एक्स 1 का, दूसरा केस मेरा क्या होगा एक्स 2 का। एक्स 2 की भी वैल्यू मेरी वही रहेगी एक्स और वाई, यानी कि मेरे को दूसरे केस के लिए एक्स और वाई यानी आइगन वेक्टर निकालने हैं, इज इक्वल्स टू 0। तो क्या वैल्यू होगी, 1 माइनस माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 5 4 प्लस का 1 इज इक्वल्स टू एक्स 2, साथ में मेरा चलेगा यहाँ पे, चाहो तो एक्स 2 की जगह पे एक्स और वाई लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी मेरी, माइनस प्लस का 2, ज़रूरी नहीं है साइन शो करूँ, 2 माइनस का 2 माइनस का 5 प्लस का 5, साथ में मेरा क्या चल रहा है x और y इज इक्वल्स टू 0। अब मेरे को फिर से रो ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे मैट्रिक्स को आसान करने के लिए और x और y की वैल्यू निकालने के लिए। तो मैं इस वाली चीज को ऊपर को क्लियर कर देती हूँ, ओके। ओके, नाउ रो ऑपरेशन मेरा कौन सा लगेगा, R2 में लगेगा, R2 प्लस 5y2 R1, ओके। मेरा ये रो ऑपरेशन लगेगा, तो मेरी मैट्रिक्स क्या बनेगी, तब मेरी 2 माइनस का 2 लास्ट का पूरा 0 हो जाएगा, यानी दूसरी वाली जो मेरी रो है वो पूरी तरीके से 0 हो जाएगी और साथ में मेरे आइगन वेक्टर लैम्डा 2 के लिए एज इट इज़ चलते रहेंगे। अब मेरे को, अब हम
क्वेश्चन के एकदम लास्ट पार्ट पे पहुंच रहे हैं, तो अब क्या इक्वेशन बनेगी, 2x माइनस का 2y इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कि 2x इक्वल्स टू 2y, सेम जो हमने पहले लैम्डा 1 के केस में आइगन वेक्टर निकालने के लिए किया था वही चीज़ मैं यहाँ पे करूँगी। तो एक बार मैं इन सब को इक्वल्स टू में k ले लेती हूँ, तो क्या होगा, 2x इज इक्वल्स टू k, ठीक है, जहाँ पे k की वैल्यू मैंने क्या मानी है 1, तो 2k की वैल्यू एक बार आ गई, ये वाला k इस साइड जाएगा मेरा, ठीक है, तो एक बार आएगी मेरी x की वैल्यू, इसको कैंसिल आउट कर देती हूँ, आसानी रहेगी। अब मेरी वैल्यू क्या बची, एक बार x की वैल्यू आई k, और जहाँ पे मैंने k की वैल्यू क्या मानी है 1, चाहे तो आप इस चीज़ को एक बार दर्शा सकते हैं, k की वैल्यू मैंने क्या मानी है 1। दूसरे में मेरी क्या वैल्यू है, y इक्वल्स टू k, वहाँ पे भी मैंने k की वैल्यू 1 मानी है, क्योंकि मैं एक बार इसको दिखा चुकी हूँ, तो अब मैं दोबारा बार बार नहीं लिखूँगी। तो लैम्डा 2 के केस में मेरी वैल्यू क्या आ गई है, लैम्डा 2 की वैल्यू मेरी क्या थी, वो थी मेरी माइनस 1, और लैम्डा 2 के मेरे आइगन वेक्टर क्या हो गए, मैं इसको भी एक बार लिख देती हूँ, तो क्या हुई एक बार वैल्यू मेरी 1 और 1, तो लैम्डा 2 की वैल्यू आई मेरी 1 और 1, तो ये मेरे आ गए आइगन वेक्टर। और इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। आप चाहें तो घर पे प्रैक्टिस करने के लिए 3x3 की और 2x2 की मैट्रिक्स ले सकते हैं। थैंक यू।